वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियो में पढ़े थे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने बताया था अफर्मेटिव या नेगेटिव, यानी कि जो पार्ट थे डिक्लेरेटिव के। सेकंड नंबर पर आए थे आपके इंटरोगेटिव। थर्ड पर हमने बताए थे इंपेरेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी, देन ऑपरेटिव। तो आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। मैं ऑलरेडी इसका पैसिव वॉइस बता चुकी हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आया था कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाना मैम पहले सिखाइए कैसे बनाती हैं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस डेली लाइफ में हमारे बहुत यूज होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मुझे आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी टेंसेस में। इंटरोगेटिव भी सिंगल और डबल ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव नहीं पढ़े। इस वीडियो में मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी विद कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड विद वन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी विद कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड विद एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओवरव्यू सारे सेंटेंसेस का दे दिया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कमांड करते हैं, एक्सप्रेस क्या करते हैं वो, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस टाइप से वो करते हैं। ऑर्डर, जैसे शट द डोर, शट द विंडो, इस टाइप से हम ऑर्डर देते हैं। और ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो उसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं होता, वर्ब से कैसे स्टार्ट हो जाता है? इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, कुछ लेट वाले भी होते हैं, सब आगे आते जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हाइड होता है, इसमें जो भी हम बात करते हैं वो सामने वाले से कहते हैं जो उस समय हमारे पास होता है। जैसे मैंने आपको बोला शट द डोर, तो इसका मतलब मैं, मेरे पास जो इंसान खड़ा है मैं उसको बोल रही हूँ यू शट द डोर, इसलिए हम इसमें यू हाइड कर देते हैं। यानी कि अगर इसमें हम सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो वो होता है केवल यू, यू शट द डोर, प्लीज हेल्प मी। तो ऑब्वियसली जो वहां पर होगा उसी से मैं बोलूंगी यू प्लीज हेल्प मी, इसलिए इसमें ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, और डेली इंग्लिश में तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, डेली स्पोकन इंग्लिश में, और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सजेशन, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। मैंने कहा था वर्ब से स्टार्ट होता है देन ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल मैं देखती हूँ, ये आप लिखिएगा, केवल आप हिंदी में नोट कीजिएगा, हिंदी टू इंग्लिश आप बनाइए। खिड़की बंद करो तो शट द विंडो, बंद करने का क्या हो जाता है शट, और किसको बंद करो, विंडो को। तो एक्चुअल में इसका क्या होता है यू शट द विंडो, लेकिन ये यू हाइट रहता है, मतलब इसमें हम ऑलरेडी बना देते हैं सब्जेक्ट जो है यू ही मान के चलते हैं हम, इसमें किसी और से जाकर नहीं करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को बीच में नहीं, बल्कि इसमें हम सामने वाले की ही बात करेंगे, इसलिए इसमें हाइट रखते हैं शट द विंडो। अब नेगेटिव अगर हो जाए, खिड़की बंद मत करो, क्योंकि हम नेगेटिव भी तो ऑर्डर दे सकते हैं किसी को, इसमें क्या दे रहे हैं ऑर्डर, खिड़की बंद करो, शट द विंडो, ठीक है, ऐसे खिड़की बंद मत करो। तो अब इसमें नॉट कैसे लगाएंगे, क्योंकि वहां तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता था, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें तो है नहीं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, यानी कि डू नॉट, क्योंकि यू है तो डज नॉट तो होगी नहीं, डू नॉट ही होगी। तो इसमें हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, डू नॉट शट द विंडो। अभी डू नॉट कहां से आ गया आपको समझ आ गया, अगर ये यू सब्जेक्ट होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू डू नॉट शट द विंडो लगा देते, क्योंकि यू इसमें हाइट रहता है, इसलिए क्या करेंगे डू नॉट शट द विंडो, बस आगे वर्ब से डू नॉट लगा देना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, अपने दांत दिखाओ, ये सिंपल बस मैं दे रही हूं, इसमें केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट है, मैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर में आती जाऊंगी, इसमें केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट है, अपने दांत दिखाओ। अब वर्ब छाटो पहले, दिखाना, शो अपने दांत, ये क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, शो योर टीथ, शो वर्ब हो गया, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म योर, और ये भी आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट फॉर्म ही क्यों,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्चुअल में इसमें रूल फॉलो होता है, ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप अच्छे से लर्न कर चुके हो, इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है ना यू के साथ, यू शो योर टीथ, शो योर टीथ, ठीक है, देखिए मीनिंग चेंज हो गया। अब इसका नॉट लगा तो अपने दांत मत दिखाओ, तो ये मत देखो कहां लगाओगे नॉट, डू नॉट शो योर टीथ है क्या ये, डू नॉट शो योर टीथ, हाँ ये। अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि आप खुद ही बना दो, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट तो होता ही है और इससे पहले क्या लगा लेते हैं, डू नॉट। अच्छा अब ये तो सिंपल हो गए वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अब आ जाओ वर्ब के बीच में केस लगा होता है, ऑब्जेक्टिव केस और फिर ऑब्जेक्ट, मतलब अभी हमने ये वाले पढ़े थे, ठीक है, अब क्या होता है वी वन प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में केस, कुछ भी नहीं होता इसमें। मैं चाहती तो आपको इसमें ही बता सकती थी कि अगर मुझे ऐसे लग जाए, लेकिन मैंने अलग से बताया जिससे आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। अब आप यहां तक पहुंच गए, अब नेक्स्ट स्टेप हम इधर पहुंचेंगे। अब मैं अगर ऊपर क्या होता, अपनी किताब दिखाओ तो आप क्या लिखते हैं, शो योर बुक, लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्टिव केस कैसे लग गया, मुझे अपनी किताब दिखाओ, मुझे ऑब्जेक्टिव केस है तो यानी मी लगता है ना, आई मी, बताया था ये, मुझे अपनी किताब दिखाओ यानी कि किताब दिखाने की शो, हम उसमें केवल योर बुक, लेकिन अब इसमें जो केस है मुझे वो यहां पर लग जाएगा जो भी ऐसा वर्ड आएगा, अपनी किताब दिखाओ शो योर बुक, लेकिन इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा केस होगा वो वर्ब के बाहर लगेगा, ऐसा मत कर देना शो योर बुक मी, ये गलत है, शो मी योर बुक, मैं सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल बता रही हूं। अच्छा मुझे अपनी किताब मत दिखाओ, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर डू नॉट लगा लो, डोंट कह लो या डू नॉट कह लो, डोंट शो मी योर बुक, डू नॉट शो मी योर बुक। मेरे लिए एक कप गरम चाय लाओ, तो इसमें लाने की सबसे पहले लिखनी है क्या होगी, ब्रिंग, इसके बाद ये कौन सा केस, इसमें केस देखो, मुझे कह लो, हिंदी में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, मेरे लिए कह लो एक ही बात होती है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मी, केस होता है ब्रिंग मी, और ऑब्जेक्ट इधर बहुत बड़ा है, कैसे, एक कप गरम चाय, और एक कप गरम चाय की इंग्लिश होती है अ कप ऑफ हॉट टी, यानी कि ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट टी, कप ऑफ हॉट टी इसमें ऑफ लगता है, ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट टी, ठीक है। जब मैं आपको पार्श्व स्पीच आगे बताऊंगी तो उसमें मैं एक प्रपोजिशन का यूज कहां कैसे होता है ये भी आपको मैं बताऊंगी। अच्छा और अगर इसमें हमें नेगेटिव बनाना है, डू नॉट ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट टी, इस तरह से आपके हो गए ये इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, मैंने उसमें आपको ऑर्डर कमांड या फिर किसी में कभी सजेशन के रूप में दे रखा हो वो तो सेंटेंसेस आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर रिक्वेस्ट हमें शो करनी हो तो उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है प्लीज, प्लीज या काइंडली, आजकल हम ज्यादातर प्लीज ही यूज करते हैं, जैसे कि कृपया मुझे 50 रुपए उधार दीजिए, मुझे 50 रुपए उधार दो, ये तो एक ऑर्डर हो गया, क्या कहते हैं लेंड मी 50 रुपीज, लेकिन अगर इसमें हमें रिक्वेस्ट शो करना है तो हम आगे लगा देंगे प्लीज, प्लीज लेंड मी 50 रुपीज। अब ये तो आपको आई गया है, ये केस वाला है, सबसे पहले लेंड, उधार की लेंड होती है, ठीक है, वर्ब लगानी है, फिर इसके बाद केस और इसके बाद 50 रुपीज बचा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये तो हम बना ही चुके थे, बस इसके आगे आपको क्या लगा देना है प्लीज, और अगर मैं किसी को मना करना है तो प्लीज के बाद लगेगा डू नॉट, प्लीज डू नॉट लेंड मी 50 रुपीज, इस टाइप से होते हैं। अच्छा अब इसमें एक और टाइप होते हैं, आपने सुना होगा मुझे खाना खाने दो, उसे वहां जाने दो, हमें ये काम करने दो, जिसमें भी जाने दो खाने दो इस टाइप से होता है उसमें हम लेट का यूज करते हैं, यानी कि जिसमें हमारी हिंदी में पीछे साउंड आती है दो की, जाने दो खाने दो सोने दो पीने दो लड़ने दो रहने दो भागने दो, ठीक है, जैसे कि उसे घर जाने दो, तो ये शुरुआत हम कैसे करेंगे, लेट लेट, अब इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर हिम, केस वही हो जाएगा, केस लेट के बाद डायरेक्ट क्या आता है केस, और उसके बाद बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जो सिंपल इतना स्ट्रक्चर था ये तो सेम रहेगा, बस इसमें हमने क्या ऐड कर दिया लेट और केस,
ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें पीछे था खाने दो, सोने दो, रहने दो। कैसे? इसमें हम केस जो है डायरेक्ट लेट के बाद ही लगाएंगे, ना कि वर्ब के बाद। वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ रहेगा, उससे पहले लग जाएगा लेट और केस। तो लेट उसे, उसे क्यों लगेगी ही? कभी भी ही वगैरह मत यूज कर देना, या ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। जैसे अगर हमें लिखा हो वी, तो यूज होगा अस, ठीक है? इस टाइप से यूज होता है। उन्हें लिखा हो तो दे की जगह यूज होगा या देन। लेट हिम, फिर इसके बाद गो टू होम, गो के साथ टू लगता ही है, लेट हिम गो टू होम। अच्छा अब एक और, आओ हम बाजार चले, आओ हम बाजार चले। तो इसमें भी, अब इसमें रहने दो कहने दो वाले नहीं है, लेकिन किसी में अगर आओ डांस करें तो उसमें भी हम लेट से शुरू करते हैं और हम अपनी बात करते हैं। आओ डांस करें मतलब आओ हम डांस करें, इसमें हम बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन हम, तो उसमें हम लगाते हैं बी का ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है अस, अस यूज हम करते हैं। तो लेट अस गो टू मार्केट, लेट इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हम का अस, और इसके बाद गो टू मार्केट, ये पूरा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस साइड से आपके होते हैं। अच्छा अगर इसमें आपको नॉट यूज करना है, उसे अपने घर मत जाने दो, तो कहाँ यूज करोगे? पहले इधर, डू नॉट लेट हिम गो टू होम, लेट से पहले, ठीक है? ऐसे कर देना, लेट डू नॉट हिम गो टू होम, लेट से पहले ही आप लगा देना। सबसे पहले नेगेटिव लगता आया है ना अभी तक, तो अभी भी लगता है। अब ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, यानी कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो इन्हीं के बेस पर है। इसमें आपको क्या करना है, मेरे अभी आगे और भी होंगे सेंटेंसेस, पहले ये 5 सेंटेंसेस को नोट करिए, इसके बाद इनको खुद ही कीजिए सॉल्व, इसके बाद जो मैं यहाँ बताऊँ उसे मैच कीजिए और देखिए अपनी मिस्टेक। मेरी वीडियो में जाइए, फिर से स्ट्रक्चर पर जाइए, देखिए क्या मिस्टेक होती है। तो यहाँ आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस तो खत्म हो गए, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो आपको कुछ समझ आया या नहीं, ठीक है? क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम डेली में यही सेंटेंसेस यूज करते हैं, आपस में बोलते हैं, फ्रेंड से बोलते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं, कैसे मैं बोलना चाहिए पेरेंट्स से, प्लीज करके, मम्मा प्लीज डू माय वर्क ना, इस टाइप से। चलो चलिए, आई होप आपने नोट करके सॉल्व भी कर लिए होंगे, तो आप वेट कर रहे हो ना, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छी किताबें पढ़ो, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले V1 प्लस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसमें देखो कोई भी केस नहीं है, सिंपल ऑर्डर, ऑर्डर कह लीजिए या फिर एक एडवाइस कह लीजिए, ठीक है? एक वो दे रहा है अच्छी किताबें पढ़ो, तो ये आपको कोई एडवाइस ही कर सकता है, आपको ऑर्डर नहीं दे सकता कि हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है? अच्छी किताबें पढ़ो, अपने बड़ों का सम्मान करो, इस टाइप से हम एडवाइस देते हैं। अच्छी किताबें पढ़ो, तो उसके बाद B1 सबसे पहले रीड। अब इसके बाद क्या क्या है ऑब्जेक्ट? अच्छी किताब है, गुड बुक्स। ऐसे करके आप सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्व करने का भी मेथड बता रही हूं। रीड गुड बुक्स, कृपया मुझे अपना नाम बताइए, यानी रिक्वेस्ट वाला आ गया, तो प्लीज तो लगा ही देंगे कृपया, इसके बाद देखते हैं कैसे बनता है प्लीज। अच्छा मुझे अपना नाम बताइए, मुझे, तो ये केस हो गया, लेकिन सबसे पहले वर्ब लगती है, ठीक है? तो अपना नाम बताइए, बताने की टेल, ऐसे करके आप बनाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। प्लीज टेल, इसके बाद केस, B1 केस और ऑब्जेक्ट मी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर नेम हो गया ना, सिंपल। प्लीज टेल मी योर नेम, उसे दिन में मत सोने दो, लेट वाला आ गया जो मैंने अभी अभी बताया है, उसे दिन में मत सोने दो। तो सबसे पहले लेट वाला आ गया, सोने दो करने दो, तो हम लेट तो लगा ही लेंगे। अब केस देखेंगे, किसे मत सोने दो, उसे, यानी ही आ रहा है तो हिम, लेट हिम, ठीक है? अब लेकिन इसमें डू नॉट वाला भी आ रहा है, ठीक है? मत सोने दो, तो यानी कि डू नॉट सबसे पहले लगता है ना, मैंने यहां भी आपको बताया है, तो डू नॉट लग जाएगा। ऐसे करके आप करोगे तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, जैसे मैं बता रही हूं, डू नॉट लेट हिम स्लीप, ठीक है? डू नॉट लेट हिम स्लीप, या तो हो गया उसे मत सोने दो, और बचा हुआ पार्ट दिन में, तो दिन में की क्या हो जाएगी, इन द मॉर्निंग। कृपया ऐसे पत्र लिखिए, रिक्वेस्ट, तुम प्लीज तो लिखी देंगे, ऐसे पत्र मत लिखिए आ रहे हैं, मत भी है यहां, यानी नेगेटिव, तो प्लीज डू नॉट,
लिखने की राइट, ऐसे की सच, और पत्र है तो लेटर। प्लीज डू नॉट लाइक सच लेटर। आओ हम घर चले, उस पर क्या आएगा, लेटर्स गो टू होम। कैसे, लेट आओ हम घर चले, आओ खाना खाए, इसमें क्या होता है, लेट से स्टार्ट होता है और हम का यस लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस गो टू। अगर यह हम नहीं भी लिखा होता ऐसा होता आओ घर चले तो भी हम यस लगाते क्योंकि वो वी का सेंस देता है, यानी कि हम का सेंस देता है। कभी झूठ मत बोलो, और कभी नहीं के लिए क्या लगाते, नेवर। कभी झूठ मत बोलो यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो नेवर टेला लाइ, टेला लाइ तो सबको पता है। आओ अपना काम करें, देखिए अब इसमें हम नहीं है, आओ हम अपना काम करें, लेकिन लेट अस इसमें जरूर लगेगा क्योंकि हम आपका सेंस दे रहा है, यानी जो भी वहां पर है मैं सबसे कह रही हूं हम सब मिलके अपना काम करें, तो लेट अस डू आर वर्क। ठीक है स्टूडेंट, लेट अस डू आर वर्क, और क्योंकि पजेसिव केस है अपना तो क्या यूज होता है, बी अस आर। अपनी पुरानी किताबें मत फेंको, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव लग रहा है, डू नॉट थ्रो अपनी पुरानी किताबें, योर ओल्ड बुक्स, यही होता है ना। इतने जोर से मत बोलो, तो सबसे पहले तो डू नॉट, और बोलने की स्पीक। अच्छा, इतने जोर से जब भी हम लगाते हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डू नॉट स्पीक सो लाउडली। इस नौकर को वहां मत भेजो, तो डू नॉट फिर से आ गया, फिर से नेगेटिव है। किसको सेंड आ जाएगा, सेंड, क्योंकि यहां पर पहले वर्ब आएगी, डू नॉट सेंड। किसको मत भेजो, इस नौकर को, इस नौकर को वहां मत भेजो, डू नॉट सेंड। इस नौकर की क्या हो जाएगी, दिस सर्वेंट, डू नॉट सेंड दिस सर्वेंट, और वहां की देयर, इस टाइप से बन गया। उसे खाना खाने दो, फिर से आ गया लेट वाला, खाना खाने दो, लेट। अब उसे, उसे मतलब हिम, लेट हिम ईट द फूड। लेट हिम ईट द फूड, उसे खाना खाने दो, लेट हिम ईट द फूड। कभी भी यहाँ ही ऐसा केस मत लगा देना सब्जेक्टिव, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगते हैं। जैसे कि टेंस में होता था उसने काम कर लिया, तो उसमें तो सब्जेक्टिव केस ही लगा देते ही, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगाते हैं। देखिए हिम बी का लग रहा है, अस दे होता तो उसका लगता देम, इस टाइप से हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप मेरी वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। किसी भी वीडियो में अब तक कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और वीडियो। विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।